हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इतने सारे काम एक साथ कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काले छोले और प्रसाद बना रही हूँ। ये काले छोले हैं, ये मैंने रात भर भी धो के रखे थे और अभी अच्छे से धो लिए हैं। दो तीन बार धो लिए अच्छे से और मैंने ये कुकर में पानी ले लिए और ये सारे छोले मैं कुकर में डाल दूँगी। कुकर में सारे छोले मैंने डाल दिए और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी मैं नमक। मैं थोड़ा सा घी डाल दूँ। छोले के अंदर मैंने घी डाल दिया, नमक डाल दिए। हमें ये कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे छोले उबलने के लिए। गैस से मैंने छोले रख दिए हैं उबलने के लिए। 5 से 10 मिनट इसको सीटियाँ बचने देंगे, उसके बाद खुल के चेक कर लेंगे छोले उबले हैं या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक साइड पे कढ़ाई रख दी है। मैं कढ़ाई नहीं है, मैंने सोचा इसमें आज मीठा कुछ बना लेती हूँ, प्रसाद बना लेते हैं। इसके अंदर गैस ऑन कर दिए, इसमें डालेंगे देसी घी। तकरीबन एक कड़छी मैंने घी डाल लिया बड़ी वाली। सूजी का प्रसाद बना रही हूँ, साथ में बना रहे छोले। एक साइड पे कुकर में मैंने छोले रख दिए उबलने के लिए। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, एक कड़छी में सूजी डाल दूंगी। एक कड़छी सूजी डाल रही हूँ। घी ज़्यादा थोड़ा सा, नारियल भी घी चला गया। दो कड़छी डाल देते हैं। नारियल गिर गया तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको घी में भूनना है लाइट ब्राउन होने तक। ब्राउन होने तक सूजी का भूनना है। सूजी ब्राउन हो रही है, अब इसमें डाल लेंगे पैकेट की चीनी। एक कड़छी जो नाप के डाली थी ना वही चीनी डाल, एक से थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेंगे। एक
एक गिलास पानी, सॉरी मैंने तो बिरयानी यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा आदत हो गई है बनाने की प्रसाद। एक गिलास पानी डाल दिया, गैस को तेज कर दिया। अच्छे से हिला लेंगे। सूजी में पानी अच्छे से है इसलिए सूजी अच्छे से फूल जाएगी, प्रसाद भी हमारा डबल हो जाएगा। सूजी में पानी डालते ही हमने हिलाना शुरू कर दिया था ताकि लम्स ना पड़ जाए, गुठलियाँ ना बन जाए। तो गैस मैंने उस वक्त कम रखा था, अब तेज किया हुआ है। इसके छींटे अपने ऊपर ना पड़े इसलिए इसको हिलाते रहेंगे। एक हाथ में ढक्कन पकड़ लें ताकि छींटे अपने ऊपर ना आए। धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है सूजी का हलवा प्रसाद। गाढ़ा हो रहा है इसने कढ़ाई छोड़ दी है, थोड़ा सा और करेंगे। प्रसाद बन चुका है, इसने अच्छे से कढ़ाई छोड़ दी है, गैस कर देंगे बंद। ऊपर से ढक देंगे। मैंने छोले उबल रही है, प्रसाद बन गया। इसके अंदर मैंने दो बड़े प्याज, लहसुन और अदरक डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। फिर मैं ग्राइंड करके आती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसके अंदर मैं घी डाल लेती हूँ। घी डाले उसके अंदर, ये मैं मिक्सी के अंदर पीस चुकी हूँ, ग्राइंड कर चुकी हूँ। फिर इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। गैस कम करके ही डालेंगे ताकि अपने ऊपर ना गिरे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे।
छोटी सी मिक्सी में अपना जो टमाटर टमाटर एक टमाटर है मेरे पास, इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके अभी रखती हूँ तक मसाला भून रहा है। प्याज अच्छे से भून चुका है आप देख सकते हैं। एक टमाटर है मिक्सी में, थोड़ा पानी डाल के मैंने ग्राइंड किया वो मैं डाल दिया। नमक डाल देंगे क्योंकि छोले में नमक हम डाल चुके हैं पहले, ध्यान से डालिए ज़्यादा ना हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मत नमक मिर्च। अब इसको अच्छी से भून लेंगे। फ्रेंड्स मसाला अच्छे से भून गया, देख सकते हैं इसमें कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है। छोले उबल चुके हैं, मसाले को एक दो मिनट और लगेंगे अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से बन चुका है, अच्छे से भून चुका है। कढ़ाई छोड़ दी, गैस को मैं कर देती हूँ बंद। अभी छोले डाल लें इसके अंदर, मसाला भून चुका है। अब छोले चेक कर लेती हूँ, बॉइल हो चुके हैं अच्छे से कि नहीं। छोले हैं, कुकर खोल दिया मैंने छोले का, तो चेक कर लेती हूँ छोले भी अच्छे से हो गए हैं। मैं इसको कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ। कढ़ाई के अंदर डाल के अच्छे से, अभी पूरे छोले नहीं डाले मैंने ताकि जब मसाला साइडों से सारा इसके अंदर आ जाए, तो फिर से इसको कुकर में ही डालूंगी। गैस बंद है, अभी गैस चालू नहीं है। गैस बंद है, कुकर के ऊपर सारा मसाला किसके अंदर डालना है। अब गैस ऑन कर दूंगी, गैस ऑन कर दिया कुकर मैंने, रख दिया गैस ऑन कर दिया, कुकर रख दिया। अब इसको मैं चार पांच सीटियाँ लगवा लूँगी, विसल बजवा लूँगी ताकि मसाला अच्छे से छोले के अंदर रस जाए। बक बक करके ये एक कड़छी मैंने छोले डाले और एक कड़छी मैंने मसाला डाला, जो छोले बन रहे थे उसमें से मैंने निकाले थे, अच्छे से मैंने भून लिए। ये मेरे छोले भंगूर तैयार है, मसाले वाले छोले भंगूर तैयार है। ये प्रसाद के साथ देंगे, और छोले जो मैं बना रही हूँ साथ ही वो दोपहर को ग्रेवी वाले छोले दोपहर को काम आ जाएंगे। तो ये काले छोले का भंगूर है मसाले वाला, पहले मैंने इसे खाया था बिना मसाले के, प्याज के बिना मसाले के। अब मैं प्याज वाला मसाला डाला है मैंने, ये अच्छे से भून चुका है। ये भंगूर मसाले वाले भंगूर जो सूखे छोले कह रहे हैं, सूखे मसाले वाले छोले तैयार हैं। इसको मैं प्रसाद के साथ जो मैंने अभी अभी बनाया है साथ में दूंगी रोटी, जिसको परांठा खाना परांठा खा ले,
अगर आप पूरी बनाना चाहते हैं तो पूरी भी बना सकते हैं, थोड़ा और ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज साथ में रोटी ही दूंगी। ये छोले अच्छे से मसाले वाले छोले बनके तैयार हैं। एक साइड पे छोले बन रहे हैं और ये तवा गर्म हो रहा है, इसके साथ में रोटी बना लेती हूँ। तवा गर्म हो रहा है, अभी थोड़ा सा गर्म है, चेक कर लेती हूँ। मैं रोटी इसके ऊपर डाल लेती हूँ। रोटी सही से पक गई है, इसका पलट देती हूँ। रोटी दूसरी साइड से भी पक रही है। रोटी हमारी दोनों साइड से बन चुकी है, दूसरी साइड से हम उसको फुला लेते हैं। रोटी हमारी फूल चुकी है, रोटी फूल चुकी है, अच्छे से रोटी फूल चुकी है। हम अब इसको सर्व कर देंगे। रोटी बन चुकी है हमारी अच्छे से। हेलो फ्रेंड, आज हमने प्रसाद बनाया और सूखे छोले बनाए हैं, इसे हम भंगूर कहते हैं। ये मैंने आज प्याज के मसाले के साथ बनाए हैं और साथ में रोटी तैयार है। आप चाहें तो पूरी खाएँ, चाहे परौंठा खाएँ या फिर रोटी, ज़्यादा वही ना होती इसलिए मैंने आज रोटी बनाई है। साथ में जो मैंने छोले बनाए हैं ग्रेवी वाले, वो भी तैयार हो रहे हैं। ये छोले बन के दोपहर को छोले के साथ रोटी खा लेंगे, आज ये रोटी तैयार है। ये झटपट से मेरा आज सुबह ही सारा काम ख़त्म हो गया। ये काले छोले मैंने बनाए हैं, अब इसको ग्रेवी और छोले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा पीस देंगे। जो ग्रेवी और छोले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, ग्रेवी से ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए हम छोले पीस लेंगे और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मिक्सी का जार लिया है मैंने, इसमें मैं छोले डाल लेते हैं थोड़े से। इतने छोले मैंने डाल लिए, अब मैं इसको मिक्सी में जाके पीस लेती हूँ। फ्रेंड गैस हल्की चल रही है, मीडियम है, बिल्कुल सिम पे की हुई है और ये मैंने छोले मिक्सी के अंदर पीस लिए। इसको मैं पीसे छोले को इसके अंदर डाल देती हूँ। इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी इन्हेंस होगा, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत टेस्टी बनेगी इससे ग्रेवी। और जिसमें थोड़ा सा रह गया इसके अंदर मैं पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल देंगे।
इसे छोले हम 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। इस ग्रेवी को हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ढक्कन लगा दिया है, सिम आंच पे हम 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। हमारे छोले की स्टीम ख़त्म होती है क्योंकि मैंने सिम आंच पे इसको रखा था 5 से 10 मिनट, 5-7 मिनट रखा, और इसकी स्टीम जैसे ख़त्म होती है दूसरे साइड पे मैंने तवा गरम कर लिया है, उधर रोटी बना लेते हैं। रोटी तवे पे डाल दी है मैंने, इधर इसकी स्टीम ख़त्म हो जाएगी तो हम दोपहर का छोले के साथ रोटी सर्व करेंगे। काले छोले बनाए हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको हम थोड़ा सा पीस के छोले को ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं, छोले के अंदर डाल देते हैं तो ग्रेवी भी थोड़ी स्टिक हो जाती है और टेस्टी हो जाती है, छोले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रोटी बन रही है और दस स्टीम खत्म हो जाएगी, हम रोटी पैक कर देंगे। सॉरी, रोटी लगा देंगे प्लेट में। वन साइड भी हो गई है, सेकंड साइड पर रोटी फूल रही है। रोटी हमारी फूल चुकी है, रोटी को उतार लेंगे। कोस्टर में रख लेते हैं, स्टीम निकल चुकी है, हम कुकर खोल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल रेड रेड कुकर की आ गया अच्छे से। अब इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, अब इसे हम सर्व कर लेंगे गरम गरम। काले छोले गरम गरम रोटी के साथ आम का अचार बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, आप भी बनाना सिंपल सादा खाना। ग्रेवी देखो कितनी अच्छी बन चुकी है इसके साथ। इस तरह फ्रेंड्स आप भी गरम गरम सर्व करें। हेलो फ्रेंड्स, ये काले छोले हैं ग्रेवी वाले, साथ में रोटी और आम का अचार, इस तरह आप भी बनाएं, अपनों को खिलाएं, खुश रहें। थैंक यू, ये बने बहुत ही अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, शाम का दूध है, ये प्लेन दूध है, मलाई वाला जी, बोर्नविटा और चीनी वाला, साथ में छोले हैं। छोले हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, हमें ये कभी कभी छोले डेली नहीं तो 2 दिन बाद हमें छोले खाते रहना चाहिए। ये भुने हुए छोले हैं बिना छिलके के। इधर चाय है बोर्नविटा वाला तीखा दूध है, साथ में भुने चने। भुने छोले खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो हमारे पेट के अंदर चर्बी है वो भी ख़त्म होती है, और हमें प्यास भी बहुत कम लगती है भुने चने खाने से। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में छोले खाएं भुने हुए, चाहे दूध के साथ खाएं चाहे चाय के साथ खाएं या वैसे ही खा लें जैसे आपका मन है। एक मुट्ठी चना हमें रोज़ खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड, ये टाइड है, 6 किलो के साथ 2 किलो फ्री मिला है,
ये बड़ा पैकेट है और ये लॉरियल है जिसमें 335 फ्री कंडीशनर एंड सीरम वॉट्स मिला है। ये मशरूम भी है प्रीमियम ठंडाई, ये सर्दी गर्मियों में बेहतरीन तोहफा है। इसलिए आप भी बनाएं, अपनों को भी खिलाएं, खुश रहें। थैंक यू।